मैं आगे बताते जाऊंगा और मेरी वाइफ एसडी इसे बनाते जाएगी। सबसे पहले हमें इसमें कढ़ाई को चढ़ा करके थोड़ा सा तेल डालेंगे अपने हिसाब से, और उसके बाद में फिर थोड़ा सा गर्म होने के बाद में लहसुन को डाल देंगे। हम देख सकते हैं लगभग लहसुन थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें मिर्ची, जो कि सूखी मिर्च होती है, उसे डाल देंगे। हमने भाजी को इस प्रकार से तोड़ लिया है। अब हम भाजी को इसमें डालेंगे। लहसुन और मिर्च की बहुत ही खुशबू जो है बहुत ही अच्छी लग रही है। सिर्फ ऐसे डाल करके अब इसे सिर्फ ढक देना है कुछ देर के लिए, ताकि सब्जी भाजी की सब्जी जो है भाजी जो है पूरी तरह से दब जाए उसमें। अब हम देखेंगे कि भाजी जो है पूरी तरह से बैठ गया है, हम देख सकते हैं। थोड़ी देर में पकने के बाद में ये थोड़ी देर में ही अब पक जाएगा। इसमें कटा हुआ थोड़ा सा टमाटर हम लोग डालेंगे और थोड़ा सा भाजियों से उसको ढक देंगे, ताकि टमाटर जल्दी से जल्दी गल जाए। ये देख सकते हैं हम लोग टमाटर उसमें पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं अपने स्वाद अनुसार। नमक को लास्ट में ही डालना चाहिए। इसको इस तरह से फैला दिया जाता है ताकि नमक पूरी तरह से सब में पूरी सब्जी में लग सके। और 5 मिनट के बाद हम देखेंगे कि पूरी तरह से सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है। देखिए हमारी भाजी चेज भाजी बनकर तैयार है। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को धन्यवाद।